नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में दोस्तों। और मैं समय काठमांडू में ही हूँ और नेपाल के मैं ये जो सीरीज़ है काठमांडू सीरीज़ जो है, तो नेपाल की जो ये सीरीज़ है ये सिर्फ काठमांडू सीरीज़ है दोस्तों। हालांकि नेपाल में और भी बहुत सारी जगह हैं जिधर आप घूम सकते हो, लेकिन फ़िलहाल इस सीरीज़ में हम सिर्फ काठमांडू में ही घूमेंगे। सो फिलहाल दोस्तों ये जो एरिया है ये एरिया कहलाता है गौशाला, और यहाँ पर टेम्पल भी है। और इस एरिया में गौशाला टेम्पल होने की वजह से शायद इसको गौशाला बोलते हैं। सो लेट मी टेक यू थ्रू दैट टेम्पल। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ, ये प्रॉपर गौशाला है। इस तरफ जब मैं आगे बढ़ूँगा दोस्तों तो किसी से पूछते हैं कि शायद इसी तरफ होगा। मेरे ख्याल से बने रहें ब्लॉग में आराम से। तो दोस्तों ये जो रास्ता जाएगा ना, तो मेरे ख्याल से ये पशुपतिनाथ के साथ ही गौशाला भी है, लेकिन इस टेम्पल में क्या है क्या नहीं ये हम ज़रूर खोजबीन करेंगे। बने आप मेरे साथ इसी लोग। तो दोस्तों मुझे माफ़ करना, दरअसल अगर मैं चाहता तो मैं इस वीडियो को कट भी कर सकता था, लेकिन इस प्रकार की कुछ कंफ्यूजन हो सकती है। जब मैं बस में बैठा तो मैंने किसी से पूछा कि जी मुझे किसी ने कहा कि आप गौशाला टेम्पल जाइए, और मैंने सोचा कि शायद पशुपतिनाथ जो है वो अलग है और गौशाला अलग है। लेकिन दरअसल जब मैंने एक सज्जन यहाँ पर थे जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि दरअसल इसको गौशाला चौक बोलते हैं और पशुपतिनाथ टेम्पल ये है जो मेन है। क्योंकि एक्चुअली जब मैंने इसका गेट यानी कि इसका द्वार देखा तो उससे मुझे यही लगा कि भाई साहब ये तो पशुपतिनाथ टेम्पल ही है। तो वो बात अलग है कि शायद इसका गेट अलग होगा। सो वेल लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, दरअसल इसको गौशाला चौक बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये गौशाला एरिया होगा जिस तरफ ये इसका जो है वो गेट होगा। वेल दोस्तों बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में, लेकिन फिर भी मैं इसको ख़त्म नहीं करने वाला हूँ। ऐसा करते हैं कि गौशाला चौक ये है और इस गौशाला चौक में जो मार्केट एरिया है वो देखते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पर जो स्टोर्स हैं वो हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ से जो मेन चौक है गौशाला का वो हम नीचे की ओर जाएंगे, और ट्रैफिक का जो सिलसिला है दोस्तों वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला लग रहा है, क्योंकि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर इस समय। लेकिन एक बात अच्छी है यहाँ पे कि भाई साहब मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट है वो बहुत बढ़िया है, जिससे क्या होता है कि किसी भी राहगीर को या तो फिर जो वाहन में यात्रा कर रहा है उसको किसी भी प्रकार का कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ सकता है। इस प्रकार के यहाँ पर आपको कुछ होटल लॉन्च भी मिल जाएंगे जो कि छोटे छोटे गलियों में हैं। सामने की तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको कुछ छोटे मोटे दुकानें भी मिल जाएंगी। लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। और हालांकि मैं एक इस किस्म की मार्केट चाहता था जो कि इसमें मतलब मेन हाईवे ना हो, मेन रोड ना हो, बट फिर भी क्योंकि मैं यहाँ पर क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ इसलिए मैंने सोचा कि ज़रूर आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ फिर भी आपको दिखा दिया जाए। वेल लेट मी कंफर्म यू अगेन, ये है गौशाला एरिया और ये पशुपतिनाथ में ही है, एक्चुअली उसी एरिया में है, लेकिन ये किसी और गेट की तरफ अगर आप जाओगे मे भी शायद गेट नंबर 3 या 2 वहाँ से आता है मेरे ख्याल से। तो जो मेरा मित्र जानता हो भली बनती है वो ज़रूर मेरे साथ साझा करे। वेल इस प्रकार का कुछ नज़ारा है जी यहाँ पे, ये यहाँ पर आपको गेस्ट हाउस और होटल वगैरह काफ़ी मिल जाएंगे, क्योंकि पशुपतिनाथ एक ऐसा मंदिर है जिधर से सिर्फ नेपाल के लोग नहीं लेकिन भारत से भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस मंदिर को काफ़ी मान्यता है यानी कि इस मंदिर की। तो इसलिए जब लोगों को यहाँ पर स्टे करना होता है तो डेफिनेटली दिस माइट बी द वेरी गुड एंड बेस्ट प्लेस टू स्टे नियर बाय द टेम्पल, और काफ़ी अच्छा लगता होगा। तो वेल बने रहें दोस्तों मेरे साथ व्लॉग में, कुछ और अच्छा मुझे इंटरेस्टिंग दिखेगा तो डेफिनेटली गौशाला एरिया में मैं आपको दिखाऊँगा, बने रहें। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप पशुपतिनाथ टेम्पल के नियर बाई हो यानी कि आप टेम्पल के बिल्कुल नज़दीक रहते हो तो यहाँ पर आपको आपके बजट से लेकर यानी कि सस्ते से लेकर महंगे तक आपको क्या होगा यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं मिल जाएंगी, होटल्स की खाने पीने की यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं मिल जाएंगी। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर महंगा ही मिलेगा,
लेकिन एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हालांकि इस चीज़ का मुझे पहले भी मालूम है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अगर मैंने अपने ब्लॉग में कभी आपके साथ कुछ शेयर किया, शेयर करने का इन द सेंस कि मतलब हमारी जो करेंसी है यहाँ पे वो हो जाती है 160 रुपये, यानी कि हमारा जो 100 रुपये है वो 160 रुपये हो जाएगा। अगर आपके पास 500 है, अगर आप यहाँ पर एक्सचेंज करवाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 800 रुपये। तो इसी प्रकार से हमारी करेंसी, मैं आपको सीधा सीधा हिसाब बता रहा हूँ दोस्तों, 100 रुपये जो हमारा इंडियन होगा, अगर आप यहाँ पर उसको एक्सचेंज करवाओगे तो आपको आपके 100 रुपये की कीमत मिलेगी 160 रुपये। लेकिन अब आप ये मत समझें कि अगर हमारे 100 रुपये की कीमत 160 है, इस हिसाब से अगर मैं तो यहाँ पर 10,000 करवाऊँगा एक्सचेंज, तो शायद मुझे उसका 16,000 मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए भाई साहब, यहाँ पर चीज़ें भारत से भी महंगी हैं। जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंडियन एक्सपोर्टेड होंगी, यानी कि कुछ बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत से एक्सपोर्ट होती हैं, और उस वजह से यहाँ पर महंगा इसलिए नहीं है कि क्योंकि ये कुछ लूटिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, क्योंकि इनको एक्सपोर्टेशन जो चार्जेस होते हैं इनको भी वो पे करने पड़ते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि सीधी और सिंपल मैं आपको बात बताऊँ दोस्तों, एक गुड्डे बिस्कुट जो हमारे भारत में 10 रुपये का मिलता है, वो शायद आपको यहाँ पर 20-25-30 का मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं एक बात मैं कंफर्म करूं, मैंने यहाँ पर एक आधे लीटर की यानी कि 500 ml की पानी की बोतल ली, जिसकी कीमत थी 30 रुपये, 30 रुपये इंडियन नहीं, नेपाली। तो अगर आप नेपाली 30 रुपये 500 ml की बोतल ले रहे हो 30 रुपये की, तो यानी कि हमारे इंडिया में वो बोतल यानी कि 1 लीटर की मिलती है 20 रुपये की, और 10 रुपये की मिलती है हाफ लीटर। तो अगर 30 रुपये नेपाल में मिल रही है, तो उसका मतलब ये कि डबल चार्जेज इन द सेंस कि अगर आप 10 रुपये की बोतल भारत में 500 ml मिल रही है, तो यहाँ पर आपको वो बोतल 30 रुपये की मिल रही है। इस हिसाब से अगर आप देखो तो हमारे इंडियन 10 रुपये, यहाँ पर होते हैं 16 रुपये। तो हालांकि 10 रुपये से थोड़ा कम, यानी कि 1 रुपये की इसलिए बात है, लेकिन आपको यहाँ पर वो बोतल 30 रुपये की मिलेगी दोस्तों। तो आप हिसाब लगा सकते हो, आप ये मत सोचना कि हमारे पैसे यहाँ पर थोड़े से एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो हमारे लिए सस्ता है, नहीं, उल्टा डबल है। डबल तो मैं बोलता हूँ कि भारत फिर भी थोड़ा सा यहाँ से सस्ता है दोस्तों, अगर आप कुछ सामान यहाँ पर लेना चाहते हो। लेकिन ऐसा हर एक चीज़ के साथ नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इंडिया में नहीं मिलेंगी, जो सिर्फ आपको नेपाल में मिलेंगी, और शायद वो सस्ती भी, शायद जैसे कपड़े हो गए कुछ ना कुछ। सो वेल, इट डिपेंड्स। लेकिन ये सिर्फ थोड़ी सी साझा मैं आपके साथ जानकारी साझा करना चाहता था, वो इसलिए ताकि आपके नॉलेज में ये बात आ जाए। एक चीज़ मैं आपके साथ और साझा करना चाहता हूँ दोस्तों, कि यहाँ पर आपको खाने पीने की कोई टेंशन नहीं, आपको हर एक चीज़ खाने पीने के लिए मिल जाएगी, वेज नॉन वेज, और बेहतरीन खाना आपको स्वादिष्ट यहाँ पर मिलेगा। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपके साथ और साझा करना चाहता हूँ दोस्तों, कि यहाँ पर आपको मतलब हर एक चीज़, जैसे मैंने आपको कहा कि खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर, आपको फैंसी चीज़ें हर एक चीज़ मिल जाएंगी। लोग बहुत अच्छे हैं, वो आपसे प्यार से बात करेंगे, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पर महंगी हैं दोस्तों। तो आप ये सोच के मत आइए कि हमारा पैसा वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है तो हमारे लिए सस्ता होगा, नो। इवन भारत में जो चीज़ दस की है, वो यहाँ पर भाई साहब आपको भारत के मनी के हिसाब से, भारत के पैसे के हिसाब से बोल रहा हूँ, 20 की पड़ेगी। सारी नहीं, लेकिन कुछ, जैसे मैंने कोई पानी की एग्जांपल दी, यहाँ पर 30 की। वेल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और ये मैं आपको पूरा एरिया दिखा रहा था गौशाला का। फिलहाल दोस्तों, मुझे लगता है कि और ज़्यादा कुछ आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ी सी आपसे मैं वार्तालाप करना चाहता था। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको गौशाला की वीडियो, ज़रूर आप साझा करें, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें। फिर से आपके साथ मुलाकात होगी एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर से मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आप हमेशा सुरक्षित रहें। बाय बाय।